डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पिछले दिन पढ़ रहे थे और प्रोटीन क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, प्रोटीन विकृतीकरण कैसे होता है, प्रोटीन टूटता कैसे है, किसके किसके वजह से, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, प्रोटीन का जो संरचना देखे थे, वो जब टूटता है तो दो प्रकार में बढ़ता है, एक रेशेदार और दूसरा गोलीय। तो ये सब सारा बात को हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए एक न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है दोस्तों विटामिन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन हमारे लिए क्या यूजफुल है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, और आखिर विटामिन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, और ये विटामिन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, ये आखिर हमारे शरीर में क्या काम करते हैं जो हम लोगों के लिए बेस्ट होता है। तो टॉपिक बनाया जाए विटामिन, और इस विटामिन के नीचे सबसे पहले फर्स्ट अरो देंगे, लिखा जाए विटामिन के नीचे कार्बनिक यौगिकों के ऐसा समूह जिसकी थोड़ी मात्रा मनुष्य तथा अन्य जंतुओं के स्वास्थ्य कॉमा उनकी वृद्धि कॉमा पोषण के लिए अति आवश्यक होता है उसे विटामिन कहा जाता है जी हाँ दोस्तों, विटामिन्स क्या है? तो सबसे पहले विटामिन्स के बारे में जानना चाहिए कि विटामिन्स वह है जो एक कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा, यानी कि जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो एक तरीके से वो डिवाइड होता है एक केमिकल के फॉर्म में, यानी कि कार्बनिक यौगिक कार्बनिक रसायन का ऐसा थोड़ी मात्रा जो हमारे लिए वृद्धि का काम करता है, हमारे लिए पोषण का काम करता है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने का काम करता है, वो सभी सारे चीज क्या कहलाते हैं, विटामिन। जहां तक कि आप पानी भी पीते हैं वो भी एक तरीके का विटामिन ही है, जो भोजन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं विटामिन का ही एक रूप है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि विटामिन क्या है। तो विटामिन वह है जो उसकी थोड़ी सी मात्रा कार्बनिक की थोड़ी सी मात्रा को हम लोग यूज कर सकते हैं, किस फॉर्म में, तो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग अपनी वृद्धि के लिए, पोषण के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, तब उन्हें हम लोग विटामिन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि विटामिन का खोज जो है सबसे पहले किसने किया, तो विटामिन का खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, तो आप इन चीजों को भी नोट कर सकते हैं। तो लिखा जाए नेक्स्ट एरो में विटामिन की खोज फंक ने किया, विटामिन की खोज फंक ने किया। चलिए उसके बाद थर्ड एरो देंगे, सेकेंड एरो तक क्यों हो गया, थर्ड एरो देकर लिखा जाए विटामिन की कमी से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होने लगती है जैसे रतौंधी कॉमा बेरी बेरी कॉमा अस्कर्वी कॉमा रिकेट्स आदि। देखिए, सबसे पहला विटामिन तो समझे ना कि विटामिन वह है जिसकी कार्बनिक रसायन की कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा हमारे लिए यूजफुल बन जाता है,
लेकिन दोस्तों अगर वही विटामिन्स की कमी हो जाए तब हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, जैसे बीमारी का नाम है रतौंधी, बेरी बेरी, अस्कर्वी, रिकेट्स इत्यादि। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सभी विटामिन्स के कमी के कारण होने वाली कुछ बीमारियां हैं। और ये इनका रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि विटामिन के कमी के कारण होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। फिर नेक्स्ट एरो लिखेंगे, नेक्स्ट एरो देकर लिखा जाए, सामान्यतः विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। सामान्यतः विटामिन को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अब देखते हैं, विटामिन्स को अगर लिखना होगा या विटामिन्स को दिखाना होगा, सूचित करना होगा, तो उसको हम लोग दिखाते कैसे हैं एक्चुअली, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल पहला, जैसे मान लिया कि विटामिन ए लिखना है, तो विटामिन उसके बाद हम लोग ए, तो ए हम लोग कैपिटल लिखेंगे, यानी कि बड़े अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब बड़ा वाला ए बी सी डी, तो उसको हम लोग बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे कि दूसरा विटामिन बी लिखना होगा, तो विटामिन बी अगर आप ऐसे लिखते हैं तब इसको गलत माना जाता है, इसके बजाय इसका सही कैसे होगा, तो विटामिन लिखने के बाद आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा, तब जाकर ये सही है। उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल, विटामिन सी लिखना होगा, तो विटामिन लिख कर और फिर हम लोग कैपिटल लिखेंगे, यानी कि कैपिटल अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होता है उसी को हम लोग विटामिन के तौर पर सूचित करते हैं। चौथा अगर बात करें तो विटामिन डी, तो विटामिन हो गया और यहाँ पे डी से सूचित कर देंगे। फिर पांचवा अगर विटामिन के होगा तो यहाँ लिखेंगे विटामिन, ठीक है, के, या विटामिन ई, जो भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी विटामिन अगर लिखना चाहें तो हम लोग विटामिन ई, विटामिन के, तो सबको हम लोग बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। ये चीजों को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे एरो देंगे, इसके नीचे एरो देकर लिखेंगे, कुछ निम्नांकित विटामिन जिसके कमी के कारण होने वाले रोग, यानी कि उसके नीचे जो अभी हम लोग लिखे हैं उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे विटामिन्स और दूसरे तरफ लिखेंगे कमी से होने वाला रोग, यानी कि हम लोग एक उसके नीचे टेबल बनाएंगे। अब एक तरफ लिखेंगे विटामिन, एक तरफ लिखेंगे कमी से होने वाला रोग या डिजीज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे मान लिया कि विटामिन में लिखेंगे विटामिन ए, तो विटामिन ए का अगर कमी हो जाएगा हमारे शरीर में तब हम उसको कौन सा रोग बोलेंगे, तो याद रखना होगा रतौंधी। ये सवाल आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी जो है ना कई तरीके में बटा हुआ है। विटामिन बी जो है उसके कितने भी प्रकार होते हैं, जैसे B2 होते हैं, B6 होते हैं, यानी विटामिन बी तो जानते हैं, अब बी को ही कई रूपों में अलग अलग बांटा गया है, B2, B6, B12। ठीक है, तो अब क्या करना है, विटामिन के नीचे लिखना है B2, और B2 के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रोग का नाम राइट साइड लिखना है, तो B2 लिखे हैं,
बीटू का लिखिएगा बेरी बेरी। बीटू के कमी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी एक रोग है। अब लिखिएगा बी सिक्स, बी सिक्स, सॉरी बी बी टू के कारण बेरी बेरी लिखे ना, बी टू के कारण लिख दीजिएगा, बेरी बेरी को काट दीजिएगा, यहां पे मिस्टेक हुआ है। बी टू के कारण बेरी बेरी नहीं होता है, बी वन के कारण होता है। यानी कि बी जो है चार कैटेगरीज में बढ़ता है, बी वन, बी टू, बी सिक्स और बी ट्वेल्व। तो बी वन के कारण लिखिएगा कि बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। और बी टू के कारण जो होता है होस्ट के किनारे, होस्ट मतलब होस्ट के किनारे, होस्ट के किनारे चमड़े का, चमड़े में खराबी आना, चमड़े में खराबी आना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसे लोग नहीं देखते हैं जहां पे होस्ट के किनारे यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ का चमड़ा जो है ना व्हाइट होकर लगता है कि गल गया है वहां का, ठीक है। तो उनको कौन सा रोग का कमी है? विटामिन का कमी है, बी टू। तो बी टू के कारण क्या होता है? होस्ट के जो किनारे होते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला में उनको ना पूरा यहाँ पे घाव जैसा हो जाता है, पूरा एकदम वहां का चमड़ा जो है खराब हो जाता है, गलने लगता है। तो उसको हम लगाम भी बोल सकते हैं, इसको ना लगाम लग गया, या फिर और कुछ भी अपने लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, तो बोलते हैं लोग। तो याद रखिएगा बी टू के कारण क्या होता है? होस्ट के किनारे चमड़े में खराबी आ जाता है, ये होता है बी टू के कारण। तो वहां पे ना वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया। बी वन के कारण होता है बेरी बेरी, और बी टू के कारण होता है होस्ट के किनारे चमड़े में खराबी आना। अब हम लोग लिख सकते हैं अगला होता है बी सिक्स, एक विटामिन है बी सिक्स, और बी सिक्स के कारण क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, गड़बड़ी यानी खराबी, गड़बड़ी बोल सकते हैं, खराबी बोल सकते हैं। तो तंत्रिका तंत्र हमारे स्पाइनल कोड जिसको बोल सकते हैं, यानी कि माइंड से लेकर पूरे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे की पीठ के बीचों बीच में, वो एकदम हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स का जो सूचना है वो प्राप्त करवाता है दिमाग को, यानी कि दिमाग से लगा हुआ है तंत्रिका तंत्र। अगर उसमें खराबी होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग को सही सूचना नहीं मिल पाएगी। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी किसके कारण होता है? बी सिक्स के कारण। फिर लिखिएगा अगला है बी ट्वेल्व, यहां पर लिखिएगा बी ट्वेल्व। तो बी ट्वेल्व के कारण क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी होता है, एनीमिया, जिसको बोल सकते हैं कि शरीर में खून की कमी हो जाता है, जिसको हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बी ट्वेल्व जो विटामिन है उसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, और एनीमिया का मतलब हुआ शरीर में खून का कमी हो जाना, ठीक है। उसके नीचे लिखिएगा फिर सी, सी विटामिन सी, सी के कारण होता है अस्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी के कारण क्या होता है? अस्कर्वी नामक बीमारी होता है। अब अस्कर्वी में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू जो होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि बेस क्षार में हो जाता है, क्षार में चेंज होने लगता है, इसलिए हम उसको खट्टा चीज, खट्टा पदार्थों को खाकर जैसे कि नींबू आंवला ये सब को खाकर उसके पीएच वैल्यू को कम करते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है आंवला में या फिर नींबू में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को ख्याल रखिएगा, सी के कमी के कारण होने वाला रोग है अस्कर्वी। उसके बाद ऊपर से फिर मिटाते हैं, और भी विटामिन है जिसके कारण होने वाले रोग को हम लोग देखेंगे। विटामिन सी तक हो गया, फिर लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी के कारण से होने वाला रोग लिखिएगा रिकेट्स, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है कि ये एक्चुअली छोटे बच्चों में ज्यादा करके होता है, ठीक है, छोटे बच्चों में ये रोग जो है ज्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इससे रिकेट्स होता है ना, इसमें छोटे बच्चों का जो पैर है थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि वर्काकार मुड़ने लगता है, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और ये
रिकेट्स जो ठीक होने वाला ठीक होगा वो कैसे ठीक होगा, तो इसको ठीक होने के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत होता है, सनलाइट की जरूरत होता है। वहां सूर्य की प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है और उससे जो है उनकी हड्डियां जो है ठीक होने का कुछ चांस रहता है। फिर लिखिएगा विटामिन ई, विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ई के कमी के कारण होता है जनन शक्ति में कमी। तो विटामिन ई के सामने लिखिएगा जनन शक्ति में कमी, ठीक है, जनन शक्ति में कमी। ब्रैकेट में इधर लिखिएगा जनन शक्ति में कमी, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर के का, विटामिन के। अच्छा, जनन शक्ति का मतलब जिसमें बांझापन भी बोल सकते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं यानी जिस व्यक्ति के, तो उनमें जनन शक्ति की कमी हो जाती है यानी कि विटामिन ई की कमी हो जाती है। और भाई विटामिन के, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग लिखिएगा रक्त का थक्का नहीं जमना, रक्त का थक्का नहीं जमना। यहाँ है जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति का मतलब उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं यानी कि बांझापन की बीमारी आ जाती है विटामिन ई के कारण, और विटामिन के कारण रक्त के का थक्का नहीं जमना। आप जानते हैं कि कहीं अगर कट उठ जाता है हमारे बॉडी का कोई पार्ट तो अपने से ब्लड चलते 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 जमने लगता है, अगर वही जमता जमेगा नहीं तो हमारे शरीर के से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो हमारा जो बॉडी का कहीं भी पार्ट कट या छिल जाता है तो वहां से ऑटोमेटिक अपने आप जो है खून रुक जाना चाहिए और वो हमारे लिए जरूरी भी है, तो एक तरीके से उसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। और विटामिन के की कमी होगा जिसको, वो रक्त का ऑटोमेटिक थक्का बन भी नहीं करेगा, जब कहीं कट टूट गया तो ब्लड निकल रहा है से निकल रहा है, निकल रहा है से निकल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब उसको विटामिन के की कमी है। तो आप इन चीजों को सबको याद रख लीजिएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम, ये चूंकि सबसे इम्पोर्टेंट था, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर न्यूक्लिक अम्ल क्या है और वो भी हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है। जैसे विटामिन जरूरी है तो अब न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है उसको देखते हैं। तो अब लिखा जाए टॉपिक्स न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल टॉपिक बनाएंगे और इसके नीचे एरो देंगे। फर्स्ट एरो लिखा जाए न्यूक्लिक अम्ल के नीचे सजीव प्राणियों में पाए जाने वाले, सजीव प्राणियों में पाए जाने वाले जैव घटकों को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, जैव घटकों को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सजीव प्राणियों में पाए जाने वाला जैव घटकों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। जैव घटक किसको कहते हैं, तो जो भी प्लांट्स हम लोग खाते हैं, तो उस प्लांट्स जैसे मान लिया कि फल खाएं, जैसे अमरूद ही खा रहे हैं, तो अमरूद तुरंत पेड़ से तोड़े और उसको हम लोग खा गए, तो एक तरीके का वो आप जीव को ना खा रहे हैं, एक तरीके का प्लांट्स को भी एक लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव प्राणी की कैटेगरी में रखा गया है और उस जैव घटक को खा रहे हैं आप, अमरूद हो गया, सेब हो गया, तो ये सब जैव घटक में आ रहा है। जो जैव घटक आप खाते हैं उससे जो हम लोग के शरीर में बनता है एक तरीके का अम्ल का निर्माण होता है जिसको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। और यही न्यूक्लिक अम्ल जब दो भागों में बढ़ता है तो एक का नाम होता है डीएनए और एक दूसरे का नाम होता है आरएनए, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो जैव घटकों को जो हम खाते पीते हैं जैव घटकों से ही निर्माण होता है न्यूक्लिक अम्ल का, और न्यूक्लिक अम्ल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। तो चलिए उसके नीचे फिर इसी बात को लिखा जाए, न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में
बांटा जाता है। पहला का नाम है दोस्तों, पहला का नाम है डीएनए। अब डीएनए का पूरा नाम आपको जानना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डी से हो गया डीऑक्सी राइबोज और एन फॉर न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा का नाम है दोस्तों आरएनए। दूसरा का नाम क्या है? आरएनए। अब आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो याद रखिएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिकम। और आरएनए का नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोनों टॉपिक्स को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे कि क्या है डीएनए और आरएनए और ये कैसे काम करता है, ये हमारे शरीर में कैसे बनते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हम अगले दिन बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।